वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज है 16 दिसंबर और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मामला था चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति का। पिछले एक सप्ताह से मैंने कोई वीडियो नहीं दिया था इस चैनल पर, टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट से संबंधित या कोई भी वीडियो, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन आज एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आई है तो मैं आपको यहाँ पर सूचना दे रहा हूँ। आज दोस्तों सुनवाई हुई हाई कोर्ट में और एक बार फिर से शासन की तरफ से समय मांग लिया गया है और मामले की एक बार फिर से डेट लग गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी अगले साल यानी जनवरी में 9 तारीख को। तो अब 9 जनवरी 2023 को इस मामले में आगे सुनवाई होगी। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि यदि दिसंबर लास्ट तक सदस्यों की नियुक्ति चयन बोर्ड में हो जाती है, ऐसे में आपकी परीक्षा फरवरी में हो सकती है। तो अब दोस्तों दिसंबर में सदस्य नहीं आने वाले हैं और फरवरी में परीक्षा होने के जो चांसेस हैं वो अब बहुत ही ज़्यादा कम हो गए हैं, या कहें ना के बराबर हो गए हैं। अब आपका एग्ज़ाम अप्रैल के बाद ही हो पाएगा, चूंकि शासन परीक्षा कराने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। अब इसके पीछे का कारण क्या है एग्जैक्टली वही जाने, लेकिन फिलहाल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है शासन का कि परीक्षा जल्दी हो जाए फिलहाल की कंडीशन में। तो डेट मांग लिया गया और जनवरी में डेट लगी है 9 तारीख को, लंबा डेट मिला है चूंकि बीच में छुट्टियां वगैरह होंगी शीतकालीन कोर्ट में, तो इस वजह से ये डेट मिली है। और बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कि बताइए सर एक्सपेक्टेड डेट क्या है, कब तक परीक्षा हमारी हो सकती है। तो अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। चयन बोर्ड के अध्यक्ष की कोशिश है कि वो एग्ज़ाम अपने कार्यकाल में करा लें। 8 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं, अभी भी कोशिश है उनकी कि एग्ज़ाम को वो करा लें फरवरी माह तक, क्योंकि मार्च में बोर्ड की परीक्षाएं हैं तब उस समय सेंटर मिल नहीं पाएगा। अप्रैल में वो खुद ही रिटायर हो रहे हैं तो ऐसे में उनके पास सिर्फ फरवरी का ही महीना है, लेकिन सदस्यों के ना होने की वजह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है और एग्ज़ाम करा पाना आसान नहीं होगा। एग्ज़ाम आपका जून जुलाई तक जाने वाला है जो परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है। लेकिन आपको एक काम करना है, आपको अपनी परीक्षा की लगातार तैयारी करते रहनी है क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यदि परीक्षा आपके अचानक से हो गई तो आप तैयार रहने चाहिए। और ऐसा तो है नहीं कि यदि परीक्षा फरवरी में नहीं होगी तो आप पढ़ना लिखना छोड़ देंगे, एक दो महीना मौज मस्ती करेंगे घूमेंगे। ठंड का समय है, घर में रहिए, फ़ायदा उठाइए समय का, लगकर तैयारी करिए। सीटें काफ़ी कम हैं, 4163 कुल मिला जुलाकर सीटें हैं टीजीटी और पीजीटी दोनों मिलाकर, तो ऐसे में आपकी बेहतरीन तैयारी होगी तभी आप यहाँ पर एक सीट निकाल पाएंगे। केवीएस की भी एग्ज़ाम्स हैं, उसकी भी आप तैयारी करते रहें। बाकी उम्मीद तो थी आज 16 दिसंबर को कि कोर्ट में कुछ बताया जाएगा नियुक्ति के संबंध में कि क्या कर रहे हैं, कब तक नियुक्ति होगी, क्या प्रक्रिया चल रही है, लेकिन कुछ भी बताया नहीं गया। एक जानकारी ज़रूर मिली है कि एक शॉर्ट नोटिस दिया गया है शासन की तरफ से कोर्ट में, हलफनामा एक दिया गया है जरूर। अब उसमें क्या है अभी वो डिस्क्लोज नहीं हुआ है। आज की सुनवाई का जब ऑर्डर वेबसाइट पर आएगा तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी और तब जाकर चीज़ें और भी स्पष्ट होंगी कि आखिर क्या कहा गया है शासन के द्वारा और मंशा क्या है एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इन सब चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है बेरोजगार युवा 10x10 के कमरों में रहकर परीक्षा की तैयारी कर रहा है। पता नहीं है कब क्या होगा क्या नहीं होगा। जब स्थिति स्पष्ट होती है तो छात्र बिल्कुल लगकर एग्ज़ाम की तैयारी करता है। कन्फ्यूज़न में ज़रूर कहीं ना कहीं मन भटकता है, लेकिन आपको मन नहीं भटकाना है। जो लोग कंसंट्रेट होकर इस समय तैयारी करेंगे उन्हीं का सेट निकलेगा। और जो लोग इस समय ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम तो अब फरवरी में भी नहीं होगा, मार्च में भी नहीं होगा, चलो आराम करें, तो ऐसे छात्रों का सिलेक्शन मुश्किल में पड़ जाएगा। बाकी आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। इसी तरह की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।